कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो सुबह जो हमने लेक्चर लिया वो पूरा नहीं हो पाया था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हम कर रहे थे, तो अब हम उसे थोड़ा जल्दी से वाइंड अप करेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक करवाना या आपके लिए करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। समझिए, मॉर्निंग में हम बात कर रहे थे कि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज घटता जाता है, राइट? साइज घटेगा तो उससे होगा क्या, जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा या आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ज्यादा पास है, ज्यादा पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ेगी, क्योंकि साइज कम हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, राइट? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से और अट्रैक्शन की वजह से ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। तो मैं कह सकता हूं जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। मेरे नेगेटिव कहने का मतलब यह है कि जो एनर्जी निकल रही है, राइट, जो एनर्जी निकल रही है, मतलब बेरिलियम ज्यादा एनर्जी लूज करेगा लिथियम से क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, लिथियम और ज्यादा रिलीज करेगा, सॉरी, बेरिलियम ज्यादा एनर्जी लूज करेगा लिथियम से, बोरोन और ज्यादा एनर्जी लूज करेगा क्योंकि यहां अट्रैक्शन और भी ज्यादा है, राइट? कार्बन और ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, नाइट्रोजन में भी ऐसा ही होगा, ऑक्सीजन में भी ऐसा ही होगा, राइट? बट फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता। ये आपको समझना जरूरी है और समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं होता। फ्लोरीन का तो साइज भी बहुत कम हो गया, राइट? फ्लोरीन का साइज भी बहुत कम हो गया और उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 9 है। 9 प्रोटॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अब ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए, पर वहां से एनर्जी बाहर नहीं निकलती। इसकी वजह ध्यान से सुनिए क्या होती है। देखो बच्चों, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं वो सेकेंड शेल में है। भाई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे किसमें ऐड करोगे, वैलेंस शेल में, और फ्लोरीन का वैलेंस शेल है सेकेंड, 2s2 2p5, ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? और सेकेंड सेल साइज में छोटा होता है, ओके? साइज में छोटा होने की वजह से पहले ही वहां जो 7 इलेक्ट्रॉन है, मैं बाहर वाले शेल की बात कर रहा हूं, वहां जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, राइट? उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में और ज्यादा रिपल्शन क्रिएट हो जाती है। हालांकि इस जहां अट्रैक्शन से एनर्जी बाहर तो निकलती है, एनर्जी बाहर तो निकलती है, अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन के मुकाबले, बट वो रिपल्शन निकलने वाली एनर्जी को कम कर देती है। कौन सी रिपल्शन? जो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और पहले से प्रेजेंट जो 7 इलेक्ट्रॉन थे उनमें पैदा हुई वो रिपल्शन। जैसा कि आप जानते हैं अट्रैक्शन एनर्जी को बाहर निकालता है, रिपल्शन एनर्जी को लेके आता है, राइट? अट्रैक्शन एनर्जी को बाहर निकालता है, रिपल्शन एनर्जी को बढ़ाता है। यहां रिपल्शन भी बहुत ज्यादा हो रही है, आई रिपीट, यहां रिपल्शन भी बहुत ज्यादा हो रही है, बट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट भी कर रहा है, राइट? वो अच्छा खासा अट्रैक्ट तो कर रहा है, एनर्जी तो अच्छी खासी बाहर निकल रही है, बट रिपल्शन की वजह से उतनी एनर्जी वापस भी चली गई। तो जो एनर्जी हमें बाहर आती हुई मिली फ्लोरिन में वो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम मिली। हमें उम्मीद थी कि फ्लोरीन में लार्ज एक्सेस में एनर्जी बाहर निकलेगी, लार्ज कंटेंट में एनर्जी बाहर निकलेगी, बट उतनी एनर्जी बाहर नहीं निकली। इस वजह से प्यारे बच्चों फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन से कम होती है, राइट? अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो घटती है, राइट? फ्लोरीन और क्लोरीन को अगर कंपेयर करें तो क्लोरीन की घटनी चाहिए थी, यहां से कम एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए थी, बट क्लोरीन से ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है फ्लोरीन के मुकाबले। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोरीन का वैलेंस शेल थर्ड है, राइट? और थर्ड शेल बड़ा होता है, वहां पे भी 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है जैसे फ्लोरीन के वैलेंस शेल में थे, बट वो सात इलेक्ट्रॉन किसमें है, थर्ड शेल में है। और थर्ड शेल साइज में बड़ा होने की वजह से जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो
तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाकी इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन कम क्रिएट करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात जानिए, पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की है। हमें लगता है फ्लोरीन की होनी चाहिए, बट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन आवर हॉल पीरियोडिक टेबल, मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, एनर्जी निकलने की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन एड होने पर क्लोरीन से निकलता है। ऐसा ही एक्सेप्शन हमें ऑक्सीजन और सल्फर में देखने को मिलता है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। यहां पे भी वही वजह है, एक तो इलेक्ट्रॉन इतने बढ़ गए यहां आते आते, ये कोई नहीं कहेगा सर नाइट्रोजन में भी सेकंड शेल है, सेकंड शेल तो है बट वहां इलेक्ट्रॉन भी तो कम है। अगर हम नाइट्रोजन के सेकंड शेल की बात करें तो वहां सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरिन में 7 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट ओके। और दूसरा, कार्बन का जो सेकंड शेल है और नाइट्रोजन का जो सेकंड शेल है, नाइट्रोजन का सेकंड शेल छोटा है, ऑक्सीजन का और छोटा है सेकंड शेल, सेकंड शेल भी सबका बराबर नहीं है, राइट। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बात मैं आउट ऑफ द ट्रैक जाके आपसे बात कर रहा हूं, ये कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका, उसके शेल का साइज भी छोटा होता है। आप यहां देख सकते हैं ये सबका सेकेंड शेल है, बट सबका सेकेंड शेल बराबर तो नहीं है ना, ओके। तो ये बात, ये एक्सेप्शन याद रखेंगे, फ्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन के मुकाबले सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके शेल का साइज छोटा है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है इस वजह से। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की है, फिर आता है फ्लोरीन, फिर आता है सल्फर, फिर आता है ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड है। टॉप फोर मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिन एलिमेंट्स की है वो ये है, राइट। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी हर एलिमेंट की, ओके। कुछ की फर्स्ट ही पॉजिटिव होती है। देखिए बच्चों, क्या हुआ कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल थी उसमें कुछ स्पेस हमने खाली छोड़ रखा था, खाली छोड़ रखा था क्योंकि पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट हमारे पास था ही नहीं, बहुत सारे बॉक्सेस नीचे खाली थे। बट लास्ट ईयर, आपको जानकर खुशी होगी, 2019 और 18 में ये सारे बॉक्स भर दिए गए। लेटेस्ट जो एलिमेंट ऐड किए हैं वो हमारी एशियन कंट्री जैपनीज टेक्नोलॉजी जो जापान की लेबोरेटरी है वहां पे उन एलिमेंट्स को सिंथेसाइज किया गया है और उन्हीं की लेबोरेटरी पे के नाम पे उनका नाम रखा गया है, ओके। तीन एलिमेंट थे जो 2019 या 18 में ऐड हुए हैं, ओके। खैर, आज हमारी पीरियोडिक टेबल में कोई भी बॉक्स ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें कि ये एलिमेंट अभी तक हमारे पास नहीं है। हमारी पीरियोडिक टेबल अब पूरे तरीके से भरी हुई है। बट क्वेश्चन पुराने वे में भी बहुत बार आ जाते हैं। मेरे पुराने वे से क्या मतलब है कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका नाम हमने आयुपैक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था, रखा हुआ था। जैसे मान लो आपको 1112 इसका आयुपैक नेम लिखना है, राइट। आयुपैक नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मे बी आप में से कुछ एक बच्चों ने आयुपैक नाम सुन रखा हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनको ये आयुपैक नेम है। बट सिर्फ कार्बन के कंपाउंड में ही आयुपैक अपना रूल नहीं देता नाम का, बल्कि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब पूरी केमिस्ट्री में जगह जगह आप आयुपैक के रूल्स पढ़ेंगे। जैसे इस एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नाम अगर देना है तो आयुपैक रूल क्या है ये देखो। आयुपैक के अकॉर्डिंग पहले मैं ये लिख रहा हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जीरो के लिए हम नील वर्ड यूज करेंगे, वन के लिए अन, टू के लिए बाई, थ्री के लिए ट्राई, चार के लिए क्वाड, क्वाड क्यू यू ए डी क्वाड, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेग्स, सात के लिए हेप्ट या सेप्ट, सेप्ट आई थिंक सेप्ट, एट के लिए ऑक्ट और नाइन के लिए ई डबल एन, ये यूज करते हैं। जैसे इसका आयुपैक नेम लिखना है, ओके कैपिटल लिख देते हैं, सारे कैपिटल में है तो
जैसे इसका इफेक्ट नेम लिखना है तो वन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं अन, तो यहां लिखेंगे अन, फिर वन आ गया, फिर अन, फिर इस बार आप स्मॉल लेटर में लिखोगे अन अन। टू के लिए क्या यूज करते हैं बाई, और लास्ट में लगा दोगे ई एम, आई यू एम लिखना है, बट ऑलरेडी ये आ गया, आई आ गया, तो ये इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया अन अन बाई ई एम। ये 112 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का आयुपैक नेम है अन अन बाई एम। इसका सिंबल होगा पहला यू, दूसरा भी यू, फिर भी इसका सिंबल ये है। अब ये यूज नहीं होता लेटेस्ट पीरियडिक टेबल में, आप ऐसा नहीं देखोगे, बट कोई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है तो वो इससे रिलेटेड भी आपसे कुछ पूछ सकता है। एक और लिखते हैं, इजी आई होप बच्चों। जैसे 109 इसका आयुपैक नेम लिखना है तो 1 के लिए क्या लिखेंगे अन, तो यू कैपिटल एन छोटा अन। 0 के लिए निल, एन छोटा आएगा निल, अन निल। 9 के लिए ई डबल एन इन, और लास्ट में लगाओगे ई एम, तो ये इसका आयुपैक नेम हो गया अन निल इन एम। सिंबल होगा यू, फिर निल का एन और इन एम का ई, राइट, यू एन ई, ये इसका सिंबल होगा। ओके, तो यहां से पूछा जा सकता है। एक और बात चलते चलते, ये हमारा लास्ट लेक्चर नहीं है, आपको नेक्स्ट लेक्चर एक और भी देखना है इस यूनिट पे। अभी बच्चों जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, हम ये मानते हैं कि ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल मोज़ले की देन है। मोज़ले ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, ब्रिटिश थे ये। बहुत छोटी उम्र में टीबी से इनकी डेथ हो गई थी। छोटी उम्र से मेरा मतलब 21-22 साल की उम्र में ये चल बसे थे। मोज़ले लॉ क्या था? मोज़ले वो पहले व्यक्ति थे जिसने एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाला, और एटॉमिक नंबर निकालने के बाद हमने अपनी पीरियडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज की। अब आप कहोगे इससे पहले जो पीरियडिक टेबल थी वो किस पे बेस थी? इससे पहले जितनी भी पीरियडिक टेबल आई, चाहे वो मेंडलिक की आई, चाहे न्यूलैंड ऑक्टेवे रूल था, राइट, या डोबरनियर ट्रायड थ्योरी, जो भी पीरियडिक टेबल हमारे सामने आई मॉडर्न पीरियडिक टेबल से पहले, वो सब एटॉमिक मास या मास नंबर पे बेस्ड थी, राइट, नॉट मास नंबर, आई एम सॉरी, एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। मॉडर्न पीरियडिक टेबल वो पहली पीरियडिक टेबल थी जो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी, और एटॉमिक नंबर निकालने में मोज़ले नाम के एक साइंटिस्ट ने हमारी हेल्प की थी। एक्चुअली उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, रूट नू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, राइट। जैसे मान लो ये कोई मेटल है, तो मोज़ले ने उस पे फास्ट इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, मतलब मैं कह सकता हूं कैथोड की बम्बार्डमेंट की, हालांकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं देखा मैंने, बट आपको बुक्स में ये मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की, फास्ट इलेक्ट्रॉन, तेजी से आते हुए इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल पे स्ट्राइक करवाया, राइट, तो मेरे ख्याल से वो कैथोड ही होगी, कैथोड कह सकते हैं हम उसे, बिकॉज कैथोड इज ऑल्सो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन इनसे टकराए किसी भी मेटल से, तो वहां से एक्सरे निकली, एक्सरे, कौन सी रेज बाहर निकली, एक्सरेज, जो एक्सरे बाहर निकली, जो वहां से एक्सरेज बाहर निकल रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो ये है, राइट, और ये फ्रीक्वेंसी, डिपेंड कर रही थी इसके एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, राइट, ये इलेक्ट्रॉन उन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से प्रभावित होकर वहां से एक्सरेज निकाल रहे थे, राइट, तो यहां से निकलने वाली एक्सरे कोई भी मेटल ली, उस पर कौन सी भी कैथोड रे की बम्बार्डमेंट की, चाहे नॉन मेटल भी उन्होंने यूज की, नॉन मेटल ली, मेटल ली, कोई भी एलिमेंट लिया, मैं कह सकता हूं कोई भी एलिमेंट लिया और उसपे फास्ट इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, वहां से निकलने वाली एक्सरेज को मोज़ले ने स्टडी किया, और उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी की हेल्प से उन्होंने उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाला। ये फॉर्मूला रूट नू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, जेड एटॉमिक नंबर है, नू वहां से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी है, ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, जो अलग अलग मेटल्स के लिए, ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होगा ए, बी वहां से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी एक्सरेज
का कांस्टेंट था जो आपके लिए फिलहाल मैटर नहीं करता। तो ये जो फॉर्मूला है ये मोज़ले ला के नाम से जाना जाता है। तो कोई कहे मोज़ले ला क्या था, तो आप कहोगे रूट नू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर, नू इज फ्रीक्वेंसी विच आर एमिटिंग आउट बाय द एलिमेंट्स, राइट, एंड ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स। ये था मोज़ले ला और ये था आज का काम। थैंक यू वेरी मच बच्चों।